इस प्रोफेशन में आने से पहले मेरे मेंटोर ने, मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने कहा था जब मैंने सीए की टीचिंग शुरू की थी कि ब्रांड आईसीआई अगर कमज़ोर होता है तो हम कैसे स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब हमारी स्ट्रेंथ के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको स्ट्रांग रहने के लिए ज़रूरी है कि ब्रांड आईसीआई भी स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले थैंक यू आईसीआई फॉर मूविंग इन दिस डायरेक्शन टू मेक यू मोर स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर। आईसीआई ने जो प्रपोज न्यू सिलेबस नोटिफाई किया, जो उसके बारे में गैजेट में इन्फॉर्मेशन आई और जो उसके बाद डिबेट चालू हुआ, एक बात इसमें से सबसे अच्छा निकल के आया कि इस मॉडर्न कोर्स से, जो प्रपोज सीए का नया कोर्स है, बिकॉज मैं आईएम से आता हूँ तो मैंने ये कोर्स आज से 12 साल पहले कुछ इस टाइप का मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी बेस्ड जो कोर्स पढ़ा, तो जो उसका इम्पैक्ट है वो हमने फील किया इंडस्ट्री में काम करते हुए पिछले 16-17 सालों में। तो आईसीआई को एक सबसे बड़ा थैंक यू हम सब की तरफ से बनता है। तो आज का पूरा वीडियो मैं सिर्फ थैंक यू आईसीआई बोलने के लिए बना रहा हूँ, और बड़े सारे मैटर्स हैं जिसपे मैं हमें दिल से गर्व से बोल देना चाहिए थैंक यू आईसीआई। बोलने में बिल्कुल हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट एंड वील टॉक मोर अबाउट दिस। एक तो सबसे पहली बात है कि जो मेरा पर्सनली भी मैं देखूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आप जो भी कह लो, मेरा ड्रीम कम ट्रू जैसा एक केस है। जब आईसीआई ने ये सिलेबस लॉन्च किया तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि एक मॉडर्न सिलेबस आया जो 2017 में प्रपोज था, बट उस समय कुछ रेजिस्टेंस थी, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसकी वजह से ये जो मॉडर्न सिलेबस है ये हमारी लाइफ में नहीं आया। लेकिन सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन में जो 4 कोर्सेज लेके आए और स्ट्रेट 4 कोर्सेज और ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम का प्रोविज़न दिया, इसके लिए थैंक यू आईसीआई। दूसरा, इंटर लेवल पे आते हैं तो इंटर में से सबसे पहले तो ईआईएस एसएम में से ईआईएस को निकाल फेंकने के लिए थैंक यू आईसीआई, टाटा गुड बाय कहने के लिए थैंक यू आईसीआई। लेकिन ईआईएस को 21st सेंचुरी में आप सीए के कोर्स को ईआईएस के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो फिर ईआईएस को उसकी सही इज्जत, सही प्लेस सीए फाइनल में सब्जेक्ट वाइज देने के लिए थैंक यू आईसीआई। और साथ ही साथ एसएम को मोर प्रैक्टिकल, मोर केस बेस्ड बनाने के लिए थैंक यू आईसीआई। 8 से 6 पेपर करने के लिए थैंक यू आईसीआई। और हर पेपर को, जैसे कि अभी प्रपोज ड्राफ्ट में सुनने को मिला है कि मोर प्रैक्टिकल, मोर केस बेस्ड होने वाला है, इन सब के लिए हम आईसीआई को थैंक यू बोल सकते हैं, दिल से बोल सकते हैं। ये प्राउड मोमेंट है हर एक सीए करने वाले स्टूडेंट के लिए या जो आगे सीए करने वाले हैं उन सब के लिए। एसएम को ज़्यादा केस बेस्ड बनाना मतलब ये हो गया कि आप मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करने वाले हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लंबे समय के बाद ये बात हो पाई है। अब फाइनल की तरफ रुख करते हैं। फाइनल में जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने 6 वर्ल्ड क्लास पेपर इंट्रोड्यूस किए और हर किसी में, याद करो जब मैं आप लोगों को ईआईएस पढ़ाता था, कहता था इसमें कॉस्ट, एफएम, टैक्स, ऑडिट, पता नहीं मैं कब कौन से सब्जेक्ट की डिस्कशन करूंगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके प्रैक्टिकल आस्पेक्ट लेके आऊँगा इंडस्ट्री में एक्चुअली ये प्रैक्टिस में होता कैसा है। और मैं वैसे टूल से पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे कमाल का इंटीग्रेशन करते हो क्या सर, आपको ये 6 के 6 पेपर आते हैं, तो मैं कहता था मैं 6 के 6 पेपर का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन सिस्टम का एक्सपर्ट हूँ जो 6 के 6 पेपर को सपोर्ट कर सकता है। आज आपको इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, वो सारे 6 के 6 पेपर में ईआईएस का, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज का जो तड़का मारा है, सिस्टम ऑडिट वगैरह अलग अलग जगह पर जिस तरह से आएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट, जो वो तड़का मारा है उससे आपका कोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी रियल सेंस में हो गया, सिर्फ बातें नहीं रह गई। और साथ ही साथ सीए फाइनल में जो एक लंबा ड्रीम था, मैं इस चीज़ का लगभग 5 साल से इंतजार कर रहा था, 2017 के सिलेबस में आना था, तय था, लेकिन काउंसिल की एक राय नहीं बन पाई, इस पर एक कंसेंसस नहीं बन पाया जिसकी वजह से नहीं आया, एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला, बेसिकली आप उसको यूं कहो, जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी आज इंडस्ट्री की बैकबोन है। देखो इंडस्ट्री की 2 बैकबोन है आज के डेट में, किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी प्रोफेशन की, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इनेबल तो आईसीआई ने कर दिया, अब रही बात स्ट्रेटजी की, तो इंटर लेवल पे स्ट्रेटजी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन और फाइनल में 100 मार्क्स के क्वेश्चन का इनटेक आना आपको वर्ल्ड क्लास बनाता है। मैं आईएम में इसी पैटर्न से पढ़ के आया हूँ, सच बताऊँ तो मैं पिछले 5 साल से वेट कर रहा था कि यार ये पेपर 17 में आ जाना चाहिए था, नहीं आया, इसी वजह से एससीएमपी में पढ़ाता था बट फिर भी एक दिल में वो मज़ा नहीं था जो एक्चुअली होना चाहिए फाइनल लेवल पे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को मोर डायनामिकली पढ़ाने का। जो एससीएमपी के केस स्टडी पढ़ेंगे या हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पढ़ेंगे वो सब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं, जिसे हम एडवांस लेवल पे इनोवेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं, मॉडर्न स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो एडवांस्ड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आप फाइनल में पढ़ पाओगे और इससे आपके करियर में बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए थैंक यू आईसीआई।
और पूरे सब्जेक्ट्स को मल्टी डिसिप्लिन बनाना, ओपन बुक सिस्टम, अब वो डिपेंड करेगा कितना आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का लेके आना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का लेके आना, ई लर्निंग को इंट्रोड्यूस करना, इन सब के लिए हम बोल सकते हैं थैंक यू आई सी। सो मेरा आज का पूरा ये वीडियो, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पूरा वीडियो इस बात के लिए है कि हमको ICI को कितना सारा थैंक यू बोलना चाहिए, इतनी हिम्मत दिखाने के लिए, जब IIA का इतना लफड़ा चल रहा हो और इतने सारे अटैक्स हो रहे हो और इस समय ब्रांड को इस तरह से मजबूती से सामने लेके आना एक बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट है। और एक बार दिल से मेरे को भी मन कर रहा है कि मैं भी एक बार CA कर लूँ, मैं CA नहीं हूँ, मैं मतलब मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आता हूँ, बट एक बार दिल कर रहा है कि नए वाले कोर्स में एक बार CA और कर लिया जाए, मतलब मज़ा ही आ जाए एक डिग्री और इस तरह से लेके आए। सो इस सब के लिए आपको बोलना चाहिए थैंक यू ICI। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, और देखते हैं कुछ नई चीज़ें आएंगी तो उसके लिए एक बार और बोलूँगा थैंक यू ICI। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स सी फाइनली ये प्रपोज ड्राफ्ट कैसे टर्न आउट होता है, फिर हम इस पर कुछ आगे बात करेंगे।